वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव में आज का हमारा टॉपिक है क्लेइसन कंडेंसेशन एंड डिकमान कंडेंसेशन। दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, जो डिफरेंस है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसको क्लेइसन कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दिया था राइनर लुडविग क्लेइसन ने, और इसको डिकमान कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दिया था वॉल्टर डिकमैन ने। अब पहला जो है हमारा क्लेइसन कंडेंसेशन, यहां पर आपको जो कंफ्यूजन हो सकता है वो ये है क्लेइसन रीअरेंजमेंट या फिर क्लेइसन स्मिट रिएक्शन। एग्जाम में आपको क्या पूछा गया उसके हिसाब से लिखना है, और गलती जो हो सकती है आप क्लेइसन रीअरेंजमेंट है, ध्यान से देखो यहां पर सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होने वाला है, और ये रिएक्शन रीअरेंजमेंट ईथर में देखा जाता है। ये एलाइल ग्रुप है, ये फिनाइल है और ये ईथर। तो ये एलाइल फिनाइल ईथर को जब हम हीट करते हैं तो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होने के बाद ये 2 एलाइल फिनॉल बनता है। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा क्लेइसन स्मिट रिएक्शन, ये क्लेइसन यही क्लेइसन है, कौन सा, राइनर लुडविग क्लेइसन। यहां पर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है। डाइल्यूट एनायन्स के प्रेजेंस में अब अगर हम इसको हीट करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। यहां पर आर अगर हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड या फिर ये कीटोन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन। तो क्लेइसन स्मिट कंडेंसेशन इज नथिंग, इट इज क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार डिटेल में चेक कर सकते हो। लेकिन याद कैसे रखेंगे, यहां पर हमारा जो है वो है क्लेइसन कंडेंसेशन। पहली चीज कंडेंसेशन है, मतलब वहां से छोटा कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने वाला है। दूसरी चीज, ये कौन से चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव है एस्टर, उसके लिए ये दोनों ही रिएक्शन है। क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर मुझे लेना है एस्टर दोनों में। चलो तो सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। मेरे पास ऐसा एक एस्टर है CH3C OOC2H5। पहले इसका कॉमन नेम लिख देता हूं मैं, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर। एस्टर के लिए मैंने क्या ट्रिक दिया आपको, यहां पर जो भी ग्रुप है उसको हम गणपति बोलते हैं, सबसे पहले उसकी पूजा करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा इसके लिए, इथाइल। फिर दो कार्बन के लिए, एस्टर है तो दो कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है एसिड, और एस्टर के लिए एट, तो इसका नाम बन गया इथाइल एसीटेट। या फिर अगर मुझे इसका आयुपेक नेम देना है तब भी मैं आगे तो यही लिखने वाला हूं, इथाइल फिर स्पेस दो कार्बन के लिए वर्ड इथ प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स ओएट, तो इसका आयुपेक नेम बनेगा इथाइल इथेनोएट। अब जैसे ही मैं इसको हीट कर देता हूं किसके साथ, C2H5ONa सोडियम इथोक्साइड के साथ में, यहां पर सॉल्वेंट जो यूज होगा वो होगा इथेनॉल, ये इथेनॉल मेरा सॉल्वेंट है। क्लियर, तो इसके दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा जो आपको मैकेनिज्म से पता चलेगा, लेकिन मैं यहां पर पहले डायरेक्ट लिख देता हूं OC2H5। अब इसका कॉमन नेम पहले लिख देता हूं मैं, इथाइल। ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं एसीटो, और ये ग्रुप है इसको बोलते हैं, अभी लिखा था मैंने एसीटेट, शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, इथाइल एसीटो एसीटेट। आयुपेक नेम अगर लिखना है मुझे तो मैं क्या लिखूंगा, इसका आयुपेक नेम देना है मुझे, नंबर 1, 2, 3 और 4। दो फंक्शनल ग्रुप है, एक यहां पर एस्टर और एक यहां पर कीटोन, प्रायोरिटी ज्यादा किसका है, एस्टर का। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, प्रेफिक्स। चलो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, इथाइल, क्यों, गणपति बापा। चलो फिर प्रेफिक्स, आयुपेक का फॉर्मूला उसमें प्रेफिक्स कौन सा, 3-ऑक्सो, चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स ओएट, तो ये इथाइल 3-ऑक्सो ब्यूटेनोएट, ये इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर है। अगर ध्यान से देखो तो ये एस्टर के पास वाला कार्बन अल्फा और उसके बाद वाला ये बीटा, बीटा के ऊपर क्या बना, यहां पर
कीटोन। तो यहां पर क्या बन रहा है, बीटा कीटो एस्टर, इन जनरल लिख रहा हूं मैं, इन जनरल क्लेजन कंडेंसेशन में बीटा कीटो एस्टर बनने वाला है। ये कैसे बन रहा है ये हमें मैकेनिज्म से पता चलेगा। क्लियर? कंफ्यूजन जो हो सकता है वो है क्लेजन रीअरेंजमेंट या फिर क्लेजन स्मिट और क्लेजन कंडेंसेशन में, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो मैकेनिज्म से आपको पता चलेगा, बिल्कुल ही सिंपल रिएक्शन है। और एक चीज यहां पर हमारा पहला स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप में मैं यहां पर क्या ऐड कर रहा हूं, सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड जो है वो हमारा कैटलिस्ट है। क्या है? कैटलिस्ट मतलब ये रिएक्शन में पार्ट लेगा और लास्ट में निकल जाएगा, रिएक्शन फास्ट होगा इससे। दूसरा प्रोडक्ट यहां पर क्या बन रहा है, ये इथाइल एसिटो एसिटेट। ये जो कार्बन है इसको एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड कहते हैं, हाईली एसिडिक प्रोटॉन होता है यहां पर। अगर अंदर बेस है तो वो लास्ट में इसके साथ रिएक्ट करेगा, यहां से H प्लस निकल जाएगा, यहां पर आ जाएगा Na प्लस, मतलब इसका सॉल्ट बन गया। सॉल्ट में से अगर मुझे न्यूट्रल फॉर्म में चाहिए तो बेस के साथ उसने सॉल्ट बना लिया था, तो सेकेंड स्टेप मेरा जो होगा वो होगा एसिडिफिकेशन, तभी मुझे वो न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? चलो अब मैकेनिज्म डिस्कस करते। नॉर्मली यहां पर जो बेस यूज होता है वो सोडियम इथोक्साइड यूज होता है, कॉमनली एम्प्लॉयड बेस इज सोडियम इथोक्साइड। यही क्यों यूज करना है, मैं NaOH भी यूज कर सकता हूं, लेकिन NaOH यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है वो मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले ये CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, इसका रिएक्शन मैं बेस के साथ कर देता हूँ, C2H5 O Na, ये हमारा क्या है, कैटलिस्ट। तो ये पहले पार्ट लेगा और लास्ट में निकल जाएगा। तो ये O माइनस, यहाँ से H प्लस निकालेगा अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि ये हाईली एसिडिक है। क्यों? A डबल बॉन्ड भी C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस स्टेबिलाइज एनायन मोर स्टेबल, मतलब यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। तो यहां से H प्लस, यहां से C2H5O माइनस, C2H5OH इथेनॉल निकल गया। मॉलिक्यूल में से सिर्फ H प्लस निकला है, ध्यान में रखना है। क्या बना? CH2 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये C डबल बॉन्ड O OC2H5, जैसे मैंने बताया ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। A डबल बॉन्ड भी C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पास में देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बनाओ फटाफट, CH2 डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यहां पर O C2H5 ये बन गया इनोलेट। मतलब यहां पर एस्टर जो ले रहे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब इनोलाइजेबल एस्टर लेना है हमें। चलो नेक्स्ट स्टेप में इसका रिएक्शन में दूसरे मॉलिक्यूल से करवा देता हूं। दूसरा कौन सा लूंगा मैं मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल, क्योंकि दूसरा कुछ हमने ऐड किया नहीं है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, अटैक करेगा इस कार्बोनिल के ऊपर, कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। चलो क्या बन सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ध्यान से देखो। ये CH3 पहले लिखता हूं मैं, CH3, फिर ये कार्बन, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन के साथ OC2H5 अटैच है ही, फिर ये कार्बन के साथ बॉन्ड इस CH2 का बना, तो लिख देता हूं मैं CH2, और नेक्स्ट जो है एज सच OC2H5, ये बन गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अभी ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन अनस्टेबल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, अगर यहां पर कोई भी लिविंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। यस, मेरे पास यहां लिविंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। क्या निकला, -C2H5O-। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? चलो अब मैंने आपको बताया कि यहां पर यही बेस यूज करना है, C2H5O Na। अगर मैं यहां पर क्या कर देता, अगर मैं
इसमें ये CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी C2H5 ही लिख देता हूँ। इसमें अगर मैंने NaOH यूज़ किया होता तो दो चीज़ें हो सकती थी, ये NaOH यहाँ से एक प्रोटॉन खींच लेगा अल्फा हाइड्रोजन से, दूसरा ये OH माइनस इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक कर देता तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेता, तो ऐसा इंटरमीडिएट बनता CH3C, नीचे OH ऊपर O माइनस यहाँ पर O C2H5। अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर ये लिविंग ग्रुप चला जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ OH। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये बेस ले लेता तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है ना, एस्टर में से एसिड बन जाता। लेकिन अगर यहाँ पर मैं सेम यहाँ पर जो ग्रुप है वही अगर ले लेता NaOH की जगह पर मैं अगर C2H5ONa ले लेता तो अगर ये अटैक करता भी है, ये O माइनस अगर अटैक करता भी है इसके ऊपर, तो यहाँ पर जहाँ OH आया है यहाँ पर क्या आएगा OC2H5, तो यहाँ पर निकलने के बाद भी यही आएगा C2H5 और इसके साथ O, मतलब वो एस्टर ही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए हम यहाँ पर यही बेस यूज करते। दूसरी चीज, यहाँ पर पहले मैंने C2H5ON ऐड किया, लास्ट में C2H5ON निकल गया, कैसे? तो देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज है उसके साथ इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए मैं पॉजिटिव चार्ज लिखूंगा, यहाँ पर भी Na+ है, यहाँ पर भी निकला Na+ है, मतलब पहले मैंने C2H5ON ऐड किया था, C2H5ON निकल गया बाद में, ऑल ओवर मॉलिक्यूल में से क्या निकला ये C2H5OH इथेनॉल, और इथेनॉल मेरा यहाँ पर सॉल्वेंट था तो मैंने बाय प्रोडक्ट नहीं लिखा है। दूसरा C2H5OH निकल रहा है इसीलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, कंडेंसेशन रिएक्शन, क्लियर? चलो यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में ये रिएक्शन हो रहा है, तो मैंने आपको ट्रिक क्या दिया था, दो अलग अलग सिटी के बीच में जो बस दौड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर सिटी। तो ये कौन सा रिएक्शन है, इंटर मॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन जो है वह इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब इसका स्टेटमेंट लिखना है मुझे, तो ये बेस हमारा कैटलिस्ट है, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन ऑफ एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन टू गिव बीटा कीटो एस्टर इज नॉन एज क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। दूसरा यहां पर तो मैंने दोनों ही सेम एस्टर लिए, लेकिन अगर मेरे पास अलग अलग एस्टर है तो वो एप्लीकेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरे पास अलग एस्टर है या फिर मैं दो अलग अलग मटेरियल ले रहा हूं स्टार्टिंग मटेरियल, तो उसमें एक मेरा एस्टर होना चाहिए और उसमें से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए इनोलाइजेबल, तभी मैं उसको क्लेजन कंडेंसेशन बोल सकता हूं, क्लियर? चलो एप्लीकेशन, पहला तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये पहले मैं यहाँ पर एस्टर ले लेता हूँ, फिर इसका रिएक्शन इसके साथ करा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप क्या होगा C2H5ONa सोडियम इथोक्साइड, सेकेंड स्टेप मेरा क्या होगा एसिडिफिकेशन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बीटा कीटो एस्टर। कैसे बनाना है, ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यस इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पहले एनायन जनरेट होगा, ये एनायन इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ये पिरिडीन एज सच, फिर इसका जो कार्बोनिल है वो एज सच रहेगा, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया CH2, इसके बाद ये
सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव प्लस यहाँ से एच यहाँ से ओ ई टी सी टू एच फाइव ओ एच ये हमारा बाय प्रोडक्ट बन रहा है इसलिए हम इसको कंडेंसेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब इसका नाम लिखना है मुझे नाम तो एस्टर है पहले मैं क्या लिखूंगा इथाइल अगर ये एसिड होता है यहाँ पर तो मैं उसको निकोटिनिक एसिड बोलता है इथाइल निकोटिनेट ये इसका कॉमन नेम हो गया। इसके लिए तो हमने अभी लिखा था इथाइल एसीटेट मैं यहाँ वापस नहीं लिख रहा। इसका नाम अगर मुझे देना है तो क्या होगा मेन फंक्शनल ग्रुप ये एस्टर और ये कीटोन इसको नंबर वन इसको नंबर टू इसको नंबर थ्री। अब थ्री के ऊपर अगर ये बेंजीन होता तो मैं लिख देता फिनाइल लेकिन ये फिनाइल नहीं है तो पहली चीज ये मेरे पास क्या है प्रेफिक्स ये भी प्रेफिक्स है और ये फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। सबसे पहले मैं लिखूंगा इथाइल गणपति वाला ट्रिक फिर स्पेस और अब मुझे प्रेफिक्स लिखना है तो इसके लिए थ्री ऑक्सो लिखूंगा मैं इसके लिए क्या लिखूंगा मैं पिरिडीन है पिरिडीन कहां पर थ्री के ऊपर तो ये थ्री पिरिडीन लेकिन पिरिडीन में यहां से अटैचमेंट हो सकता है यहां से या फिर यहां से तो ये वन टू थ्री फोर ऐसे नंबरिंग होती है तो पिरिडीन थ्री के ऊपर से एक हाइड्रोजन कम है तो पिरिडीन थ्री आयल ऐसे लिखूंगा मैं इसका नाम क्लियर है। अब ये और ये दो मेरे पास अलग अलग प्रेफिक्स है दोनों में से पहले कौन आता है एम एन ओ पी तो ये बाद में आता है तो मैं इसका नाम पहले लिखूंगा थ्री ऑक्सो उसके बाद थ्री फिर ब्रेकेट में इसका नाम क्या है पिरिडीन थ्री आयल जैसे मिथाइल इथाइल लिखते हैं एक हाइड्रोजन कम है थ्री के ऊपर तो थ्री आयल हो गया। अब वन टू थ्री कार्बन के लिए क्या लिखूंगा मैं प्रोप प्राइमरी सफिक्स एन सेकेंडरी सफिक्स ओ एट तो ये ई निकल जाएगा तो ये बन गया इसका नाम। चलो दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं मान लो यहां पर मेरे पास है ऐसा कुछ ध्यान से देखना इसमें सेम C2H5ONa और लास्ट स्टेप में मैं एसिडिफिकेशन कर रहा हूँ क्यों एसिडिफिकेशन कर रहा हूँ क्योंकि जो प्रोडक्ट जनरेट होगा ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड जनरेट होगा ये हाईली एसिडिक प्रोटॉन होता है यहाँ पर सॉल्ट बन जाएगा। चलो ये एस्टर और ये इनोलाइजेबल कार्बोनिल यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा ये इसके ऊपर अटैक करेगा फिर ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा यहाँ से एच यहाँ से ओ ई टी तो बाई प्रोडक्ट मेरा क्या होने वाला है लिख दूँ क्या यहाँ पर सी टू एच फाइव ओ एच प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बेंजीन उसके बाद ये कार्बन कीटोन वाला इसके बाद ये एक हाइड्रोजन कम हो गया सी एच टू ये सी एच टू इस कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बना रहा है ये कार्बोनिल और ये कार्बोनिल के साथ अब क्या बचा बेंजीन। ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते तो नंबरिंग वन टू थ्री हो गया अब यहां पर बेंजीन ये एज प्रेफिक्स है तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा फिनाइल कौन सी पोजीशन पे है वन और थ्री के ऊपर तो प्रेफिक्स पहले लिख देता हूं वन थ्री कितने फिनाइल है दो तो डाई फिनाइल ये मेरा प्रेफिक्स हो गया। अब रूट वर्ड तीन कार्बन के लिए प्रोप प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स कीटोन के लिए ऑन कौन सी पोजीशन पे वन और थ्री के ऊपर तो क्या लिखूंगा मैं वन थ्री डाई ऑन ये डी से शुरू हो रहा है तो यहां पर ई आएगा तो ये इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर बन गया वन थ्री डाई फिनाइल प्रोपेन वन थ्री डाई ऑन। और एक एग्जांपल मान लो हमारे पास सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव ऐसा ग्रुप है इसका रिएक्शन मुझे इसके साथ कराना है सी डबल बॉन्ड अलग से लिख देता हूँ ओ
C2H5, यहाँ पर भी सी डबल बॉन्ड ओ ओ C2H5, सेम रिएजन में ऐड कर रहा हूँ। अब कितने कार्बन, 1, 2, 3, इसका नाम लिख दो पहले, इथाइल, तीन कार्बन के लिए प्रोप एन ऑयड, तो इसका नाम बन गया इथाइल प्रोपेनोइड। और ये क्या है, अगर ये ऐसा होता, देखो C डबल ओ एच क्या नाम बनता, ऑक्सैलिक एसिड, ये एस्टर है उसका, तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ डाई इथाइल ऑक्सैलेट, इसका नाम है डाई इथाइल ऑक्सैलेट। ये कार्बोनिल एस्टर वाला, यहाँ अल्फा के ऊपर नेगेटिव चार्ज पहले आएगा, फिर ये अटैक करेगा इसके ऊपर, यहाँ से ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, है ना। चलो प्रोडक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले ये CH3 एज इट इज, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम कर दो, ये CH, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ ओ C2H5, इस कार्बन के साथ अटैच क्या होगा, ये कार्बोनिल, ये कार्बोनिल के साथ सी डबल बॉन्ड ओ ओ C2H5, सी डबल बॉन्ड ओ ओ C2H5, इसका नाम लिखना है आपको कमेंट में, लिखना है कैसे लिखेंगे आप, आपको कमेंट में ऐसा लिखना है, ये 3 फिर फुल स्टॉप फिर प्रोडक्ट, और यहाँ पर जो भी नाम बनता है आपको लिखना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 चार कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, चार कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सक्सिनिक एसिड, ये उसका एस्टर है, यहाँ पर मिथाइल और ये कीटोन दोनों ही प्रेफिक्स है। तो ये था हमारा क्लेजन कंडेंसेशन, कौन सा रिएक्शन था ये, इंटरमोलेक्यूलर। अगर ये इंट्रामोलेक्यूलर होता, ध्यान से सुनो, अगर ये इंट्रामोलेक्यूलर होता तो मैं उसको बोल देता डिकमान कंडेंसेशन या फिर डिकमान रिएक्शन, मतलब वहां पर भी प्रोडक्ट तो यही बनने वाली है लेकिन कुछ अलग बनेगा, क्या अलग बन रहा है वो हम देखेंगे अभी। तो यहां पर हमें एस्टर लेना है, लेकिन ऐसा एस्टर लेना है जो एक ही मॉलिक्यूल में दो एस्टर ग्रुप हो, क्या बोला मैंने, ऐसा एस्टर लेंगे जहां एक ही मॉलिक्यूल में दो एस्टर ग्रुप हो। नॉर्मली ये निकाल देता हूं, चलो अब डिकमान कंडेंसेशन या फिर डिकमान रिएक्शन। सो डिकमान रिएक्शन इज व्हाट, मैंने क्या बताया, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच हो रहा था रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर, वो कौन सा था, क्लेजन, ये एक ही मॉलिक्यूल में होगा तो ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन। चलो मेरे पास CH2 ऐसा एक स्टार्टिंग मटेरियल है, क्लियर, कितने कार्बन है यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन वाला एस्टर है ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, 6 कार्बन वाला एसिड, उसके लिए क्या लिखेंगे हम, एडिपिक एसिड, तो ये एडिपिक एसिड का एस्टर है तो इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, डाई इथाइल, चलो यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं मैं, C डबल ओ ई टी डाई इथाइल एडिपिक एसिड था, एडिपेट बन गया। सेम चीज यहां पर मुझे करनी है, क्या करूंगा मैं, यहां पर C2H5ON ऐड कर दूंगा और सेकेंड स्टेप में H3O+ ऐड कर दूंगा। चलो क्या होने वाला है, तो यहां पर इसका मैकेनिज्म देखना है मुझे, मैकेनिज्म डायरेक्टली देखते हैं हम, फिर लिखेंगे हम वहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लियर। चलो तो ये दो एस्टर है, ये एस्टर और ये एस्टर, इसमें से किसी भी एस्टर के पास में प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करा देता हूं मैं,
तो ये सी टू एस फाइव ओ एन ए निकल क्या गया, सी टू एस फाइव ओ एच। अब यहाँ या फिर यहाँ पर मैं एन आयन जनरेट कर दूंगा, चलो ये सी एच टू सी एच टू सी एच, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एस फाइव, यहाँ पर सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव। ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन गया कार्बन आयन। अब ये अटैक कर सकता है कार्बोनिल के ऊपर सेम मॉलिक्यूल में, तो क्या होगा टेट्रावेलेंट बनेगा ये। चलो बना दो फटाफट सी एच टू सी एच टू, ये सी एच, इसके साथ एस्टर एस सच है ये ओ सी टू एच फाइव। अब ये सी एच टू ये ओ सी टू एच फाइव, ये दोनों के बीच बॉन्ड बन रहा है। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप इसको नंबर दे दो, यहाँ पर मैंने नंबर दिया हुआ है पहले से। ये कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, तो ये वन और फाइव के बीच बॉन्ड बन रहा है, ये वन ये फाइव। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, कुछ भी नहीं, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो क्या निकला माइनस सी टू एच फाइव ओ माइनस। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव मेंबर रिंग बन रहा है, चलो ये फाइव मेंबर रिंग मैंने पहले बना दिया। अब ये वन के ऊपर कीटोन, यहाँ पर कीटोन बना दो, इसके पास वाले कार्बन के ऊपर ये एस्टर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, ये प्रोडक्ट बनने वाला है, बस कुछ नहीं है, क्लियर। तो वहां पर ये एस्टर पास वाला कार्बन अल्फा और ये बीटा, यही यहां पर भी यही बन रहा है बीटा कीटो एस्टर, या फिर ये जो कीटोन है वो साइकिल में है, तो ये साइक्लिक कीटोन बन रहा है, इससे इतना चेंज है बस, क्लियर। दूसरी चीज, यहां पर छह कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर में ले सकता हूं तो फाइव मेंबर रिंग बनेगा। अगर इससे ज्यादा वाला ले लिया मैंने सात कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर तो यहां पर सिक्स मेंबर रिंग बनता, क्लियर। तो यहां पर स्टार्टिंग मटेरियल क्या ले सकते हैं हम, सी सिक्स एंड सी सेवन, उसमें से जो प्रोडक्ट बनेगा वो फाइव मेंबर एंड सिक्स मेंबर रिंग बनेगा, जो कि स्टेबल होते हैं, बाकी अनस्टेबल होते हैं तो नॉर्मली नहीं बनते, ऐसा बोल सकते हैं हम, क्लियर। बाद में ये इंट्रा मोलिकुलर है, इंटर मतलब दो अलग अलग मोलिक्यूल के बीच, इंट्रा मतलब एक ही मोलिक्यूल के बीच, तो इंट्रा मोलिकुलर जो रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट होते हैं इंटर मोलिकुलर रिएक्शन से, तो ये उससे फास्ट होगा। चलो एक एप्लीकेशन ले लेते हैं इसका भी, मान लो यहां पर आपको दिया गया ऐसा सात कार्बन ले लो, उसका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तीन ये चार ये पांच ये छह और ये सात, ये इसका एप्लीकेशन है या फिर कह लो एग्जाम्पल। चलो मैं डायरेक्टली आपको सिखाता हूं प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। ये एस्टर के पास वाला कार्बन यहां पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये निकल जाएगा नंबर वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, मतलब सिक्स मेंबर साइकिल बन रहा है, डायरेक्टली बना देता हूं मैं। फिर जिसको मैंने वन दिया था उसके ऊपर तो ये कीटोन बनना है, फिर जिसको सिक्स दिया ये इसके ऊपर ये बनेगा एस्टर ओ सी टू एच फाइव। चलो अभी इसका नाम दे देता हूं मैं, इसका उसका नाम आपको देना है कमेंट में, इसका नाम क्या बनेगा ध्यान से देखो। पहली बात फंक्शनल ग्रुप दो है, एस्टर और कीटोन, तो ये कीटोन और ये एस्टर, प्रायोरिटी ज्यादा किसका, इसका, मतलब ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इस कार्बन को मुझे नंबर वन देना है, इसको नंबर टू थ्री फोर और फाइव, फाइव मेंबर साइकिल है, तो ये मेरे लिए कीटोन जो है ये क्या बन गया प्रेफिक्स। यहां पर ओ सी टू एच फाइव है गणपति, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा इथाइल, चलो इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे हम इथाइल से,
उसके बाद प्रेफिक्स, प्रेफिक्स क्या है, टू के ऊपर कीटोन मतलब टू ऑक्सो, तो लिख देता हूँ टू ऑक्सो। फिर साइक्लिक है तो इनफिक्स क्या लिखूंगा, साइक्लो। पांच कार्बन है, रूट वर्ड पेंट। प्राइमरी सफिक्स, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखूंगा एन। सेकेंडरी सफिक्स, इसके लिए क्या लिखते हैं एस्टर के लिए, ओएट, गलत, इसके लिए ओएट नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इस कार्बन को मैंने इंक्लूड किया होता तो हम ओएट लिखते, इस कार्बन को इंक्लूड नहीं किया तो ये ओएट के आगे एक कार्बन ऐड करना है, ऐड कर दो वन के ऊपर, क्या लिखूंगा मैं कार्बोक्सीलेट, ये इसका सही नाम है। उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ऐसा ही बनेगा, थोड़ा सा चेंज है, आप एक बार देख लो। और कोई भी डाउट है ये दोनों भी रिएक्शन में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।